वो हम छोटे बच्चे थे तो एक इश्तिहार आता था, अब नहीं टीवी देखता मैं, पुरानी बात है, तो वो एक इश्तिहार आता था कि वो एक खातून किसी के पास जाके पूछती हैं कि कपड़े धोने के लिए मुझे साबुन ला दोगी, तो उसने कहा हूँ साबुन, नए लोग और पुरानी बातें हैं नए लोग और बातें पुरानी, अब विम 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 इस्तेमाल करो, पता नहीं वो आता है कि नहीं आता, विम इस्तेमाल करो बहन, क्या इस्तेमाल करो, विम, साबुन वाबुन तो पुरानी कहानी हो गई, किससे कहानी हो गई। तो दुनिया की चीज़ों में तो ठीक है भाई, कोई नई चीज़ लेटेस्ट चीज़ आनी चाहिए, लेकिन दीन हमारा 1400 साल पुराना है, वो जितना पुराना होगा ना वो उतना ही ऑथेंटिक होगा। हाँ कुछ अहकाम शरीयत ने ऐसे दिए हैं जिनमें लचक रखी है, वो ज़माने के लिहाज से चेंज होंगे, उसमें खुद शरीयत ने इजाज़त दी है कि भाई ये हुक्म उस वक्त तक के लिए है जब तक के ये मामला हो, जब ये चेंज होगा तो फिर हुक्म भी खुद बहुत क्या हो जाएगा, क्योंकि क़यामत तक के लिए आया है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी रखी है बास चीज़ों में और बास चीज़ों में नहीं रखी, ये क़यामत तक ऐसी की ऐसी ही, रमज़ान रमज़ान ही रहेगा, रोज़ा आपको रखना पड़ेगा चाहे कल पेपर हो या बोलो भाई ना हो। बाज़ लोगों के फतवा आ गया कल अगर पेपर है तो फ़ैद्दतु मिन अय्यामिन उखर, बाद में कज़ा कर लें, पेपर हो या ना हो आपको रोज़ा, क्या ख्याल, गलत तो नहीं कह रहा, रखना पड़ेगा इम्तिहान की तैयारी के लिए, आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते।